नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के जोया इलाके के जाटो कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत पर 45 किलोमीटर दूर गंगा घाट पर पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल होकर एक बंदर ने दुख जताया, जिसके बाद से ये पूरा मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। राम कुंवर सिंह के पास बीते 2 महीने से एक बंदर पास आकर बैठ जाता था। राम कुंवर सिंह उसे खाने के लिए रोटी दे देते थे। बंदर का उसके पास प्रतिदिन का आना हो गया था। वह उनके पास आकर बैठता था और खाना खाने के बाद भी काफी देर तक उनके साथ खेलता रहता था। अब मंगलवार सुबह अचानक राम कुंवर का निधन हो गया। पालतू जानवरों का इंसानों के प्रति स्नेह तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी देने वाले व्यक्ति से एक बंदर का लगाव इतना बढ़ गया कि उनके निधन के बाद वो भी गमगीन रहा। वो न सिर्फ अर्थी के पास दिन भर बैठा रहा, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए तिगरी तक गया। वाहन में रखी अर्थी से लिपटकर जोया से तिगरी धाम तक पहुंचा। बंदर के इस प्रेम को देख लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। मामला कस्बा जोया के मोहल्ला जाटो कॉलोनी का है। यहाँ पर वृद्ध राम कुंवर सिंह का परिवार रहता है। गत 2 महीने से एक बंदर उनके पास आकर बैठ जाता था। राम कुंवर सिंह उसे खाने के लिए रोटी देते थे। बंदर का उनके पास प्रतिदिन का आना हो गया था। वो उनके पास आकर बैठता और खाना खाने के बाद भी काफी देर तक उनके साथ खेलता रहता। अब मंगलवार सुबह अचानक राम कुंवर का निधन हो गया। जब बंदर लगभग 10 बजे खाना खाने घर पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ थी। बंदर ने भीतर जाकर अर्थी देखी तो उसके पास ही जाकर बैठ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंदर की आंखों में आंसू भी थे। वो काफी देर तक चिता के पास ही बैठा रहा और उसके आसपास ही घूमता रहा। इतना ही नहीं, जब स्वजन ने तिगरी धाम ले जाने के लिए अर्थी डीसीएम में रखी तो बंदर भी डीसीएम में सवार हो गया। जोया से तिगरी धाम तक वो अर्थी से लिपटा रहा। वो अंतिम संस्कार होने तक चिता के पास ही मौजूद रहा और वापस लोगों के साथ जोया लौट आया। अब बुधवार को भी वो बंदर राम कुंवर के घर ही मौजूद है। हैरत की बात यह है कि उसने मंगलवार को भी कुछ नहीं खाया। बुधवार दोपहर राम कुंवर के स्वजन ने भोजन दिया तो कुछ खाना खाया। राम कुंवर के प्रति बंदर का लगाव देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए हैं। जोया जाटव कॉलोनी की घटना है। हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे, राम कुंवर, जोया जाटव कॉलोनी से। तो इस बीच जैसे पिंड बदले जाते हैं, वहाँ पर बंदर आया चल के, और बंदर ने उनका मुंह भेड़ कर देखा, फिर उनके पैरों पर चढ़ के ऊपर डीसीएम के ऊपर टिगरी को गया गंगा धाम, और वहाँ पर चिता पर जैसे रखते हैं तो उसने चुम्मी ली, फिर अलग टूट गया वो, फिर घर तक वापसी आया हमारे साथ में चल कर। आया भी है, खाना भी खाया। इधर से गया हो और उधर से हमें घर छोड़ के, हमारे घर लेट के और फिर वापस पहुँचा हो। लेटने के बाद उसके बाद नजर नहीं आया।